अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल MX Vlogs। सबसे पहले अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की जो वीडियो है, आज एक्चुअली मेरा एक दोस्त है बचपन का, हसन आबिद, उसका स्नूकर क्लब है। तो मैं आपको, हम उनके स्नूकर क्लब में जा रहे हैं, मेरे साथ ही है वो, अभी फ़िलहाल एक छोटा सा काम करवा रहा है। तो ये हसन भाई आ गए हैं जिनके हम स्नूकर क्लब जा रहे हैं, ये क्लब के ऑनर हैं स्नूकर क्लब के, तो हम इनसे भी वहाँ पे जाके बातचीत करेंगे और आपको इनका स्नूकर क्लब भी जो है वो दिखाएंगे। अब हम पहुंच गए हैं फाइटर्स अरीना, आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा कि अंदर उसका माहौल किस तरह का है और कितनी कितनी टेबलें यहाँ पे मौजूद हैं। ये फाइटर्स अरीना स्नूकर क्लब की मेन एंट्रेंस है। फाइटर्स अरीना स्नूकर क्लब जो है लाहौर सबरजाद लियाकत चौक के पास स्टेडियम के साथ मेन मार्केट है जिसमें मौजूद है। मेन मार्केट के थर्ड फ्लोर पर मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम सीढ़ियों से जो है ऊपर थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं। ये आपके सामने स्नूकर क्लब एंट्रेंस का मेन डोर है। हसन भाई, बताएं आपका जो क्लब है वो कैसा चल रहा है और कौन कौन सी आपने टेबलें जो हैं वो रखी हुई हैं? माशाल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, हमारा क्लब बहुत अच्छा चल रहा है और लोग बड़ा प्यार करते हैं हमें और हमारे पास हर ब्रांड की टेबल लगी है। बताएं जरा किस जगह पे मौजूद है आपका ये फाइटर्स अरीना? हमारा स्नूकर क्लब सबजाजार में मेन मार्केट है क्रिकेट स्टेडियम के साथ, तो मेन मार्केट के थर्ड फ्लोर पे हमारा स्नूकर क्लब है और माशाल्लाह ओरिजिनल स्टार प्रोफेशनल लगा है। हमने खुद इम्पोर्ट किया चाइना से, हमने रेसन प्रोफेशनल इम्पोर्ट किया चाइना से, फिर हमारे पास शेंडर की टेबल्स हैं, M1 क्लासिक है विराका का, तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, आवाम बड़ा इंजॉय करती है। तो जो कंपैरिजनली आपके जो रेट है बाकी स्नूकर क्लब से किस तरह का है? बहुत रीजनेबल है, बाकी स्नूकर क्लब्स में 150-120 चार्जेस हैं और वो उस तरह मेंटेन भी नहीं है। माशाल्लाह हम इसे मेंटेन भी रखते हैं, अप टू डेट भी रखते हैं और हमने 100 रुपीज़ इसका ऑल टेबल्स का रेट किया है। अभी जिसके साथ मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये मेरा कज़न है अदील, आप लोग फर्स्ट टाइम इसको मेरी वीडियो में देख रहे होंगे। और गेम खेलते हुए एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी है कि जब वक्त अजान हुआ है तो क्लब की लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं, जो सॉन्ग्स वगैरह चल रहे होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और इसके साथ साथ तमाम जो लोग खेलने आए हुए हैं वो बहुत एहतराम करते हैं अजान का और अपनी गेम्स को रोक देते हैं। तो फिलहाल हमने भी अपनी गेम को रोक दिया। मेरी गेम जो है मैं वो जीत चुका हूँ इस शख्स से, बहुत अच्छी गेम जीती है और हैट्स ऑफ। अगली गेम मेरी जो है वो क्लब के ऑनर से होने वाली है सीईओ, और इंशाल्लाह मैं इनको हराऊंगा। ऑल द बेस्ट। वेल, अभी हम कुछ चीज़ें जो हैं वो हसन भाई से पूछेंगे। हाँ हसन भाई, आप बताएं कि आपको यहाँ पे टूर्नामेंट में
है वो किस तरह करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं? हम यहाँ पे टॉप 32, टॉप 64 का ऑल पाकिस्तान रैंकिंग का टूर्नामेंट करवाते हैं और फिर माशाल्लाह हर प्लेयर हमारे पास आता है प्ले करने के लिए। मोहम्मद आसिफ आते हैं, मोहम्मद सज्जाद हैं, असद इकबाल, बाबर मसीह, मुबशर रजा, हारिस ताहिर, मिठू जट, सारी माशाल्लाह हमारे क्लब में आते हैं, खेलते हैं, सारी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं यार। अच्छे आप क्लब के ओनर हैं तो आप भी शौक करते हैं जी? शौक की वजह से माशाल्लाह ये इतना अच्छा सिस्टम अल्लाह पाक ने इज्जत दिया हम बना सकें। शौक तो है भाई, एंटरटेनमेंट आजकल पता है क्या बात है, ये हमारे कायद का भी खेल था ये और हमारे बानी का खेल था और मतलब कि अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। आप एक इंडोर स्पोर्ट्स है, आप अच्छी जगह साफ सुथरे माहौल में अपना एंटरटेन हो सकते हैं, आप फिजिकली भी फिट रहते हैं, आप इसमें थोड़ी एक्सरसाइज जिस तरह हम सारा दिन बैठते हैं तो ये हमारी फिजिकली एक्सरसाइज भी हो जाती है और अच्छी गेम एंटरटेनमेंट है। चलिए इनके साथ खेल खेल के देखते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनको हराऊँ क्योंकि मैं इनके साथ ऐसे पहले खेल चुका हूँ तो काफ़ी अच्छी गेम है इनकी। तो आप जो जो देख रहे हैं यहाँ पे जो जो आना चाहे तो आए और बड़ा मज़ा आएगा आपको। माहौल एयर कंडीशन है और टेबल्स आपको मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में एक्चुअली टेबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। कितने हमारे पास 12 टेबल्स हैं, इसमें 5 शेंडर हैं और 5 विराके हैं, एक रेसन प्रोफेशनल है और एक स्टार प्रोफेशनल है। और आपके क्लब की तरफ से कौन खेलता है? हमारे क्लब की तरफ से मिठू जट है और 2-टाइम चैंपियन है और लोग बड़ा उसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारी तरफ से मिठू जट खेलता है हमारे। जी ये मैंने थाईलैंड से इम्पोर्ट किया, ये तकरीबन मुझे 1,20,000 का पड़ा है। चार स्कोर ऊपर हो चुके हैं हसन भाई और देखते हैं अभी आगे कितनी जो है वो गेम आगे चलती है। हसन भाई के जो हैं वो 41 नंबर हो गए और बहुत ही बुरी तरह से जो है मैं हार में चल चुके हैं। आखिरकार हसन ये गेम जीत चुका है। वेल गेम्स वगैरह खेल के हम वापस जा रहे हैं और तो अगर आपको यहाँ पे जो जो आना चाहे तो वो आप अगर यहाँ पे गेम खेलना चाहें तो बिल्कुल आएँ, आपको पसंद आएगा। स्नूकर क्लब इतना बड़ा स्नूकर क्लब आपके लाहौर में कहीं भी नहीं होगा जहाँ पे इतनी टेबल्स एक ही टाइम पे मौजूद हैं।